जब पहले हम ट्रैवल किया करते थे तो पहले हम चिप्स कैरी करते थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स कैरी करते थे, गेम्स कैरी करते थे, बट अब हम सबसे पहले क्या कैरी करते हैं, मास्क कैरी करते हैं, हैंड सैनिटाइज़र कैरी करते हैं, ग्लव्स कैरी करते हैं। देखिए ट्रैवलिंग में कितना चेंज आया है। तो बस हो जाइए तैयार, हमारी एक और जर्नी शुरू होने जा रही है और ये है मुंबई टू मांडवा, या मैं कहूँ मुंबई टू अलीबाग, बट ये जर्नी होने जा रही है M2M फेरी। मज़ा आने वाला है। इस फेरी की सारी डिटेल्स इस व्लॉग में है, इस वीडियो को पूरा देखिए। और बस दिस इज़ रेड भाई, देखने में कितना सुंदर लगता है। कमॉन जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और मेरे साथ इस M2M यानी कि मुंबई टू मांडवा फेरी में डिजिटली ट्रैवल कीजिए। अलीबाग बाय रोड जो डिस्टेंस है इट इज़ अराउंड 120 किलोमीटर्स, और कितना टाइम लगता है 3 to 4 hours डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। बट अब महाराष्ट्र टूरिज्म की तरफ से आपके लिए ये अवेलेबल है M2M फेरी, जिसमें टाइम लगता है मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 1 घंटे और आप एक कम्फर्टेबल जर्नी कर सकते हैं। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। अब बात करते हैं प्रोसेस की, अब आपको कैसे यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको आना है भाउचर धक्का, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं पीछे केबिन है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है, अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो आपको अपनी कार देखिए यहाँ पर ऐसे लानी है, आपको ऑनलाइन बुकिंग अपना ईमेल दिखाना है एंड देन यू विल गेट रिस्ट बैंड। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो यहाँ पर पीछे एक और केबिन है, वहाँ पर वॉक-इन्स भी अलाउड हैं डिपेंडिंग कि कितनी कैपेसिटी बाकी है। तो ये रहा, आपको यहाँ पर अपनी कार लानी है। फिलहाल देखिए टाइम ऐसा है तो डू नॉट वरी, यहाँ पर नीचे उतरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने देखा यहाँ पर फिलहाल फेरी को अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा, और एक बार आपकी कार यहाँ पर एंट्री हो गई, आपको रिस्ट बैंड मिल गया। फिर ये देखिए आपकी कार्स यहाँ पर ऐसे स्टैंड बाय पे खड़ी हो जाती हैं, आप यहाँ लाइन में लग जाइए और जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी उस तरफ से फेरी पर कार्स बोर्ड की जाएंगी। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है अबाउट द क्लीनिनेस, यहाँ पर आप देखिए क्लीनिनेस देखिए और सैनिटाइजेशन, हर किसी ने मास्क लगा रखा है, ग्लव्स पहन रखे हैं। फिलहाल कंडीशन ऐसी है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से, मैं कहूँगा बहुत अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। सो इट इज़ 9 o'clock और मेरे साथ पापा हैं, मम्मी हैं, एक छोटी सी ट्रिप हम करने जा रहे हैं और यहाँ पर बोर्डिंग अब पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। पापा रेडी, टिकट्स हमने ले ली, हैंड सैनिटाइज हो गए, वी आर गुड टू गो। चलिए अब अपनी कार को हम बोर्ड करेंगे ऑन द फेरी। मज़ा आने वाला है भाई इस ट्रिप में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये लीजिए अब हमारी कार हो गई पार्क ऑन बोर्ड। अब आप इंटीरियर देखिए, पूरी फेरी घूमिए, आप 1 घंटे आराम से एक्सप्लोर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स कीजिए और ठंडी हवा का आनंद लीजिए, दिस इज़ परफेक्ट। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं टू डिपार्ट फ्रॉम मुंबई। हम सुबह 5-6 बजे के उठे हैं, पापा भूख लगी आई है, तो हम घर से ही ब्रेकफास्ट लाए हैं, दिस इज़ पोहा। देखिए फ़िलहाल कंडीशन ऐसी है,
तो आप भी समझ सकते हैं बाहर का नहीं खा सकते, बट डू नॉट वरी, इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन दिस वेसल तो यहाँ पर एक कैंटीन है जहाँ पर वेज, नॉन वेज, कॉफ़ी, समोसा सब ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और आप ये इंटीरियर आप देख रहे हैं ना, ये इंटीरियर देखिए, ये इंटीरियर देखने में ही कितना लाजवाब लगता है। अबाउट द कॉस्ट, अबाउट द टिकट्स, आप कहाँ बुक कर सकते हैं, सब डिटेल्स ब्लॉग पूरा देखते जाइए, चेहरे पे स्माइल रखिए और बस खाते रहिए पीते रहिए। सो गाइस, दिस इज शार्प 9:30 इट इज एंड वी आर ऑल सेट। ये देखिए इंजन चालू हो चुके हैं एंड वी आर सेलिंग नाउ। मैं मुंबई के बाहर निकला हूँ आफ्टर 6 मंथ्स, फ्रेश एयर और ये नज़ारा, मैं तरस गया इस नज़ारे के लिए, तरस गया मैं आफ्टर 6 मंथ्स फाइनली। और पीछे आप ये देख रहे हैं, पीछे ये है ब्रिज जहाँ से ये वेसल कंट्रोल किया जा रहा है। आपको मैं थोड़े टाइम रुकिए, आपको ब्रिज दिखाऊंगा ज़रूर, बट ये नज़ारा और आमची मुंबई, आमची मुंबई। मॉनसून की वजह से फिलहाल हाई टाइड है तो ये वेसल इतना शेक कर रहा है। देखो मैं आपको क्या बताऊँ, अब मैं आपको जल्दी से इसकी कॉस्टिंग के बारे में बता दूँ। कॉस्टिंग पर पैसेंजर इट इज़ 300 रुपीज़, अगर आप पेट साथ में ला रहे हैं फॉर पेट इट इज़ 200। कार का मैं आपको बता दूँ, स्मॉल कार इट इज़ 800, मीडियम कार इट इज़ 1000, और अगर आपकी बड़ी गाड़ी है लार्ज कार है तो इट इज़ 1200। टू व्हीलर आप ला सकते हैं, उसकी कॉस्ट है 200 रुपीज़, और बाइसिकल की इट इज़ 100 रुपीज़। ये जो चार्जेस मैंने आपको बताए हैं दिस इज़ वन वे चार्ज, तो जो हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ है बिकॉज हम 3 पैसेंजर हैं तो इट इज़ 900, प्लस जो हमारी कार है दैट इज़ 800 × 2 बिकॉज हम जा रहे हैं और आ रहे हैं तो दैट इज़ 1600। तो जो टोटल कॉस्ट हमने पे किया है इट इज़ 3400, सब कुछ इंक्लूडिंग बट नॉट फूड। ये देखिए ये कितना शेक कर रहा है, मैंने कहा ना मॉनसून की वजह से बहुत हाई टाइड है। तो फिलहाल मैं अपनी कार में वापस आया हूँ जस्ट देखने के लिए कि यहाँ पर कैसा फील होता है। अब कार से आप उतरना चाहें ना उतरना चाहें, चॉइस इज़ योर्स। इस रोपेक्स सर्विस के बारे में आपको थोड़ा और बता दूँ, इसकी जो व्हीकल कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 145 कार्स आप कह सकते हैं, और जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो है इट इज़ अराउंड 500 पैसेंजर्स। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, फ़िलहाल बिकॉज इट इज़ गणेश चतुर्थी तो ख़ास तौर पर इसको चलाया गया है टिल 30th August, उसके बाद का शेड्यूल मैंने उनकी वेबसाइट पर देखा बट फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वो बहुत एक्टिव हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर बहुत एक्टिव हैं। और बिकॉज ऑफ कोरोना आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद क्या शेड्यूल रहेगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं और ऑनलाइन आप वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त, एकदम फ्लॉलेस, और क्रूज़ ये वेसल जो है ये भी एकदम लाजवाब। बट आप मुझे बताइए, अगर आप इस पर ट्रैवल कर रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप अपनी कार से उतरना चाहेंगे कि नहीं उतरना चाहेंगे। जर्नी आई गेस 45 मिनट्स 50 मिनट्स की है, चॉइस इज़ योर्स। मैंने देखा एक दो लोग हैं जो अपनी गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, अब चॉइस आपकी है। तो दिस इज़ 10:20, हम 9:30 चले थे, इट इज़ 50 मिनट्स। अगर आप यहाँ देखेंगे, अब ये यहाँ पर ये लैच ओपन किया जा रहा है, जो व्हीकल से आप निकल सकते हैं
और आप अलीबाग एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो सच कह रहा हूँ, ये चीज़ मुंबई टू गोवा ज़रूर चलाइए, ज़रूर चलाइए। ये लग गया लैच। पहुंच गए और देखिए अब हम ये अपने वेसल से निकल रहे हैं M2M से बाहर की तरफ। व्हाट अ जर्नी। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही जर्नी बाबा? बहुत सुंदर, बहुत बहुत अलग ही फीलिंग है। और इतने दिन के बाद घर से बाहर निकले हैं तो बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग M2M फेरी। अब हम पहुंच चुके हैं अलीबाग। अगर आपको मज़ा आया, रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए उनके साथ जो इस पर ट्रैवल करना चाहेंगे। पूरा शेड्यूल मैं आपसे फिर कहूँगा, प्लीज़ डू चेक इंस्टाग्राम जो अपकमिंग शेड्यूल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स कोशिश रहेगी कि आपके सामने आते रहें। इतना ही कहूँगा, मज़ा आ गया। हमारी वापस अलीबाग टू मुंबई फेरी है, द सेम फेरी, वो है 5 बजे। अब थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, तो फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। दिस इज डोलेश सेइंग गुड बाय फ्रॉम 200 जर्नीज टाटा, टेक केयर। या 6 महीने बाद जो सुकून मिला है ना, क्या बोलूं। पापा भी आ गए, चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। बजे है 5:30 और अब मैं वापस जा रहा हूँ अलीबाग टू मुंबई की तरफ। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप अलीबाग बाय ये फेरी आ रहे हैं प्लीज़ अपनी कैब खुद अरेंज कीजिएगा, बिकॉज अलीबाग पर मैंने देखा वहाँ पर टैक्सी की या कैब की कुछ ऐसी कंफर्टेबल सुविधा नहीं है। होटल पहले ही बुक कर लीजिए और इस फेरी पर ज़रूर आइए। यार ये जाते वक्त कुछ ज़्यादा ही शेकी है, कुछ ज़्यादा ही शेकी है। सेट देखने को मिलेगा, दिस इज फ्रेश एयर, अलग ही मजा है। तो हम वापस जा रहे हैं फ्रॉम अलीबाग टू मुंबई नाउ।